56 बाय 40 फीट का आज हम आपके लिए जो है दोस्तों डिज़ाइन लेकर आए हैं। और ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये मैरिज हॉल का डिज़ाइन है दोस्तों। इसका जो फ्रंट है वो 56 का है और लंबाई में जो है ये 40 फीट का है। तो 56 बाय 40 फीट में हमने जो है इनको मैरिज हॉल पूरा बना कर दिया है। साथ ही इसका आज के वीडियो में इसका नक्शा डिज़ाइन हम आपको सब दिखाने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो उनको मेन एंट्रेंस गेट दिया है जहाँ से वो घर में एंट्रेंस कर सकते हैं अंदर। और ऊपर आप देख सकते हो फ्रंट साइड पे जो है मैरिज हॉल की तरह ही हमने जो है उनको डिज़ाइन बना कर दिए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब और अट्रैक्टिव टाइप की डिज़ाइन बना कर दिए। ग्लास वगैरह का पैटर्न लगाया है, देखिए आप बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन ये लग रही है। ऊपर भी आप देख सकते हो, ये देखिए सुमन करके यहाँ पर नाम दिया गया है जो कि मैरिज हॉल का नाम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव डिज़ाइन जो है उनको ये बना कर दिया है। बहुत ही लाजवाब ये डिज़ाइन लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये दूसरी साइड भी आप देख सकते हो जहाँ पर 40 फीट का जो साइज है वहाँ पर भी आप देख सकते हो किस टाइप में बेहतरीन और अट्रैक्टिव टाइप की जो है डिज़ाइन हमने बना कर दी है। गैलरी वगैरह भी आप देख सकते हो जहाँ पर ग्लास का वर्क वगैरह दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सचरिंग वगैरह किया हुआ है। तो ऐसा टोटली जो भी हमने ये डिज़ाइन बनाया था ये उन्हीं की चॉइस के हिसाब से ही बनाया था दोस्तों। अगर आप भी इसी प्रकार अपना सपनों का मकान कुछ बनाना चाहते हो तो वीडियो के स्टार्ट में जो हमने ऑफिस के नंबर दिखाए उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या उसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसका प्लान भी आपको दिखाते हैं, बट उससे पहले ये फोटो भी आप जरूर देखेगा दोस्तों। यहाँ तक जो है उनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ये आप देख सकते हो। यहाँ तक जो है उनका जो वर्क है उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, ये पुराना वर्क है। अभी इसके ऊपर जो है उन्होंने नया वर्क चालू किया है और यहाँ पर जो है वो मैरिज हॉल वो ऊपर बनाएंगे। तो चलिए इसका प्लान भी अभी आपको दिखाते हैं दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये उनका मैरिज हॉल है। और जैसा कि हमने कहा कि इसका जो फ्रंट है वो 56 फीट का है और जो चौड़ाई में जो है वो 40 फीट का है, ये आप देख सकते हो। तो हॉल की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्पेस उन्होंने दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज हॉल की वजह से काफ़ी पब्लिक यहाँ पर आएंगे तो लोगों को सिट आउट के लिए ये पूरा उन्होंने मैरिज हॉल की जो जगह है वो देखिए आप 51 फीट 10 इंच बाय 39 फीट 9 इंच का दिया है। और यहाँ पर जो है उन्होंने एक किचन भी प्रोवाइड कर दिया है जिसका बालकनी वगैरह दिखाया है। यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम भी उन्होंने बनाया है और यहाँ पर भी एक रूम जो है उन्होंने बनाया है जिसका साथ ही अटैच टॉयलेट उन्होंने दिया है। और जो सीढ़ी आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर से होते हुए एज इट इज़ फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाएगी। और यही जो नक्शा है दोस्तों उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर भी एज इट इज़ कॉपी किया है और सेकंड फ्लोर पर भी एज इट इज़ कॉपी किया है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों उनका नक्शा भी कितना बेहतरीन उन्होंने बनाया वो भी आपने देख लिया है। अभी आप ये डिज़ाइन भी आपने देखी है कि कितना अट्रैक्टिव और कितना बेहतरीन लग रहा है। मैरिज हॉल आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और ये जो हमारे कस्टमर थे काफ़ी प्यारे और अच्छे इंसान हैं ये, इन्होंने को जो है हमारी डिज़ाइन इतनी ज़्यादा पसंद आई थी तो उन्होंने खुद होकर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया था, क्योंकि उनको जो है हमारी सर्विस और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी पसंद आई थी उसके वजह से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करके साथ ही आपका अपना चैनल यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी इसी प्रकार कुछ अपना सपनों का मकान कुछ बनाना चाहते हो तो वीडियो के स्टार्ट में नंबर दिए उस पर हमें ज़रूर कॉल करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।